नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख बीआईबी पार्टी के बरेली आगमन पर कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि चौपला चौराहे के चौराहे से आगे रोटरी भवन पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभा की गई, जिसमें महिलाएं और काफ़ी संख्या में पहुंची और उन्होंने बताया मीडिया को कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी दमखम के साथ लड़ाएंगे। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गठबंधन करता है तो हम उसका साथ देंगे, वरना हमारे प्रत्याशी अपने दमखम के साथ लड़ेंगे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज इंसाफ पार्टी वीआईपी। देखिए, यहाँ पर आज एक कार्यकर्ता एक मीटिंग थी हमारी, दो तीन जिलों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, और ख़ास तौर से इस मीटिंग का जो मकसद था वो ये है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी हिस्सा लेगी और एक सूबे के अंदर एक पैगाम पहुंचाना चाहती है। जो नफरत की सरकारें चल रही हैं या जिस तरीके से आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं, तो उससे जनता समझदार हो और ख़ास तौर से देश के लिए, अपने लिए, प्रदेश के लिए, विकास के लिए बात करें। उन मुद्दों से, धर्म के मुद्दों से, जातिवाद के मुद्दों से हटकर इस बार सरकार जो बननी चाहिए उस तरह की सरकार बननी चाहिए जिससे देश के अंदर एक पैगाम पहुंच सके और अच्छी सरकार बन सके। सर कौन सी पार्टी है आपकी? वीआईपी पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी। कितने लोग इसमें? तकरीबन 50 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है और काफ़ी तकरीबन 2010 से पार्टी काम कर रही है। किस तरीके से संगठन आपका काम कर रहा है? हमारा जो ख़ास तौर से जो पार्टी का और जो हमारा अपना मकसद है वो देश के अंदर भाईचारा कायम करना चाहती है, अमन पैदा करना चाहती है और हिस्सेदारी की बात करना चाहती है। जो भी वर्ग हैं सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देना चाहती है, हिस्सेदारी की बात लेना चाहती है और हिस्सेदारी देना चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे? हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। किस पार्टी से मुकाबला रखेंगे? देखिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम ना ही किसी से मुकाबले की बात करेंगे कि हमारा किसी से मुकाबला है। मुकाबला तो और पार्टियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो झूठ की राजनीति कर रही हैं, नफरत की बात कर रही हैं, धर्म की बात कर रही हैं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार बननी चाहिए और लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये समझ